हेलो क्लास एट्थ, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपके इंग्लिश के थर्ड चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसके टू पैराग्राफ हम पहले कर चुके हैं। आज हम थर्ड देख रहे हैं, थर्ड पॉइंट, ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836 के बीच में। इस ब्रिटिश रूल में क्या होता है इंडिया में, लेट्स सी। रिलीजियस लीडर्स प्रेस्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। जो धार्मिक नेता थे, उन्होंने धर्म उपदेश के कुछ विचार रखे, जैसे कि अनटचेबिलिटी और चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, ठीक है। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, और चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह, ठीक है। ये दो विचार उन्होंने रखे। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन। जो भी कोई समुंदर को पार करने की कोशिश करेगा या पार करेगा, वो अपना धर्म से हाथ धो बैठेगा, ठीक है, वो अपना धर्म खो देगा। All the misery in the world is due to woman. ये सारे की सारी दुख विपत्ति जो पूरे वर्ल्ड पे आई हुई थी, ये एक औरत की वजह से थी, ठीक है। The truth was that Indians had lost self-respect. सच तो ये था कि भारतीय अब अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आत्मसम्मान खो चुके थे। The British scorned them. ब्रिटिश लोग उनका अपमान करते थे, ठीक है, उनकी उपेक्षा करते थे। द नेटिव्स आर अनवर्थी ऑफ ट्रूथ, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। जो निवासी थे देश के, वो लोग अब सच के अयोग्य हो चुके थे और ईमानदारी के भी अयोग्य हो चुके थे, ठीक है। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। सच योर ऑनर, लेकिन मैं क्या हूँ, ईमानदार हूँ। बींग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वॉन्टेड क्विक प्रॉफिट्स। मर्चेंट्स बनकर, व्यापारी बनकर, ब्रिटिश लोग जल्दी जल्दी प्रॉफिट हासिल करना चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स। उनके भारी कर ने भारतीय लोगों के, भारतीय किसानों को अपने खेत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। लेकिन तुम्हारे आदमी हमारी, मेरी सारी क्रॉप, मेरी सारी फसल ले रहे हैं। वो लोग क्या करते, सारी फसल ही ले लेते किसान की, इसलिए किसान लोग अपने खेत छोड़ने पर मजबूर हो गए। यू आर स्टिल इन एरियर्स। तुम क्या हो, कर्ज में हो, यानी तुम्हारे पास अभी भी मेरी बकाया राशि है। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। अगर तुमने नेक्स्ट वीक तक मेरा पैसा नहीं चुकाया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, ऐसा ब्रिटिश लोग अपने इंडियन फार्मर्स से कहते थे। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गैव दैम मोर प्रॉफिट्स। तभी ब्रिटिश लोगों ने कुछ दूसरे नए मेथड्स खोजे, जिनके जरिए उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। इनएविटेबली फेमाइंस फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836। 15 लाख इंडियंस डेड ऑफ स्टारवेशन। अकाल के चलते, लगातार कंटिन्यूसली अकाल पड़ रहा था, उस अकाल के चलते 1822 और 1836 के बीच में लगभग 15 लाख भारतीय लोगों ने भुखमरी के कारण जान दे दी, ठीक है, यानी भुखमरी के कारण लगभग 15 लाख भारतीय लोग मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज रुइंड द एक्सपर्ट आर्टिशंस एंड देयर बिजनेस। जो इंडिया के एक्सपर्ट आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, और उनका जो अच्छा बिजनेस था, उसे ब्रिटिश पॉलिसीज ने बर्बाद कर दिया था, ठीक है। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी वैन brought into India. जो चीज़ें इंग्लैंड में बनती थी, उन पर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी when brought into India, जब उन्हें भारत में, भारत से ख़रीदा जाता था, तो उनके ऊपर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं होती थी। A good idea, एक अच्छा विचार। The East India Company's laws began to cripple Indian industries. East India Company के कानूनों ने भारतीय industries कि वो क्या कर दिया था, बिल्कुल अपाहिज कर दिया था, ठीक है, यानी बिल्कुल बेजान अपाहिज हो चुका था भारत की इंडस्ट्रीज। इंडियन इंडस्ट्रीज किसके सामने, ब्रिटिश कंपनी के सामने। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। नंबर वन, हु प्रेस्ड द आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज का ये धर्म उपदेश आइडियाज किसने दिए थे, रिलीजियस लीडर्स ने दिए थे, ठीक है, धार्मिक नेताओं ने। Press these the ideas like untouchability and child marriage. B है, who said anyone who crosses the seas loses his religion. ये बात किसने कही कि जो भी समुंदर पार करेगा वो अपना धर्म खो देगा। Religious leaders said anyone who crosses the seas loses his religion. Okay. Next है, who said that natives were unworthy of truth. Trust.
किसने कहा था कि निवासी जो लोग हैं वो अपना ट्रस्ट के अयोग्य हैं, यानी उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। द इंग्लिश पीपल सेड दैट नेटिव्स वर अनवर्थी आवर ट्रस्ट। इंग्लिश लोगों ने कहा था कि नेटिव जो निवासी हैं भारत के, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। फाइंड द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन। स्ट्रेंथन क्रिपल यानी अपाहिज, ये ताकतवर होता है और ये कमज़ोर बना देता है। डिसऑनेस्टी और ऑनेस्टी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन रॉय के बारे में, 1772 to 1833। ओके, राम मोहन रॉय अ लर्न मैन फ्रॉम बंगाल अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। राम मोहन रॉय एक जानकार आदमी थे जो बंगाल से थे और वो जानते थे कि देश के साथ क्या गलत हो रहा था। लेट्स नॉट डिस्पाइस आवरसेल्व्स, हमें अपने आप की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट, हमारा जो प्राचीन कल्चर है वो महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, हम एक बहुत महान अचीवमेंट हासिल करने के योग्य हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, हमें सबसे पहले हमारी सोसाइटी, हमारे समाज को रिफॉर्म करना होगा, दोबारा बनाना चाहिए, सुधारना चाहिए। सुपरस्टिशंस हैव बीन रुइन्ड अस, ये जो हमारा अंधविश्वास है ये हमें बर्बाद कर देगा। ठीक है, ये उनका मानना था राजा राम मोहन रॉय का। ही टोल्ड टू हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी पत्नी उमा से कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गाय अलग अलग रंग की होती हैं, बट देयर कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम, लेकिन उनके जो दूध का रंग होता है वो सेम होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, अलग अलग टीचर्स अलग अलग सुझाव देते हैं, बट द असेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम, लेकिन उन हर धर्म का सार क्या होता है, सेम होता है। हर धर्म में जो भी बात कही जाती है उसका मतलब सेम होता है। He was attracted by science and modern knowledge. वो modern knowledge और science से attracted थे, प्रभावित थे। Knowledge should be practical and scientific. Knowledge क्या होनी चाहिए, practical और scientific होनी चाहिए। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful there, he told them. वो समुंदर के उस पार इंग्लैंड पहुँचे ये देखने के लिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ब्रिटिश को पावरफुल बना रही है, और वहाँ जाकर उन्होंने उनसे कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर, हम आपको हमारे शासक के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, बट यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, लेकिन आपको भी हमें अपनी जनता के रूप में, अपनी प्रजा के रूप में एक्सेप्ट करना होगा। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स, लेकिन आपको याद रखना होगा कि एक रूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी प्रजा के प्रति होती है कि वो उसका आभारी हो, उसका आभार माने। He started newspaper, but the superstitious British stopped them in 1923. उन्होंने newspaper start किया था, लेकिन कुछ संदेहिक ब्रिटिश लोगों ने उसे 1923 में रुकवा दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन। Who was राजा राम मोहन रॉय? राम मोहन रॉय was a learned man from Bengal. Which things attracted राम मोहन रॉय? कौन सी चीज़ ने राम मोहन रॉय को अट्रैक्ट किया था? Two subjects such as science and modern knowledge attracted राम मोहन रॉय. दो subject, एक तो modern knowledge और एक science ने। ठीक है, What did राम मोहन रॉय tell his wife उमा? राम मोहन रॉय ने अपनी वाइफ उमा से क्या कहा? राम मोहन रॉय टोल्ड हिज वाइफ उमा दैट द असेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, कि हर धर्म का सार एक समान ही होता है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन विच मीन्स बेसलेस बिलीव सुपरस्टिशंस, यानी अंधविश्वास जिसका कोई आधार नहीं होता, निराधार होते हैं। अब हम देखते हैं ऑपरेशंस, 1765 to 1835। ऑपरेशंस होते हैं दमन, यानी उत्पीड़न किस किस तरह से किया था ब्रिटिश लोगों ने इंडियंस का। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेट इंडियंस, ब्रिटिश लोगों ने कंटिन्यूसली निरंतरता से भारतीय लोगों का उत्पीड़न जारी रखा। इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड, 1818 में उन्होंने रेगुलेशन थर्ड एक्ट पास किया। इन अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, एक भारतीय को बिना किसी सुनवाई के जेल में डाल दिया जाएगा, यानी कोर्ट में उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, उसे यूं ही जेल में डाल दिया जाएगा। ये रेगुलेशन एक्ट थर्ड के तहत था। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून इन प्राइवेट बिजनेस, सारे समय ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे वो इंडिया में एक बड़ी सैलरी हासिल करते थे और प्राइवेट बिजनेस में भी अपना भविष्य बना रहे थे।
अपना भाग्य बना रहे थे। बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। 1829 में ब्रिटेन ने ब्रिटिश सामान को इंडिया में एक्सपोर्ट किया 7 करोड़ रुपीज़ कीमत पर, 7 करोड़ रुपए की कीमत पर ब्रिटिश सामान को इंडिया में एक्सपोर्ट किया। गवर्नर जनरल बेंटिंक रिपोर्टेड बैक होम, गवर्नर जनरल बेंटिंक ने इस बात की रिपोर्ट वापस होम घर पे की। द ब्रिटिश प्रॉस्पेक्ट ऑन दी कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। कंपनी की लूट के जरिए ब्रिटिश कंपनियां तो क्या कर रही थी, प्रॉस्पर्ड यानी समृद्ध हो रही थी, और जबकि इंडियन इंडस्ट्रीज मर रही थी यानी वो बिल्कुल डाई हो चुके थे। इंडियन इंडस्ट्रीज तो समाप्त हो रही थी और ब्रिटिश जो कंपनी है वो समृद्ध हो रही थी। द बॉन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो कॉटन वीवर्स थे, जो सूती वस्त्र बुनने वाले जो थे, उनकी हड्डी को तोड़ दिया गया था, यानी कि उनका जो काम था वो जो उनको क्या कर दिया गया था, जो अच्छे हिस्से थे इंडिया के, जिन हिस्सों में अच्छी तरह से समृद्ध हिस्से थे जहाँ पे ये काम होता था कॉटन वीविंग का, उसे उन लोगों ने बिल्कुल फीका कर दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ हुई थी वहाँ पे। हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। When did the Britishers pass the Regulation Act 3rd? कब किया था पास? 1818 में। What were the provisions in Regulation Act 3rd? Regulation Act 3rd में क्या provisions थे? Under Regulation Act 3rd, an Indian could be jailed without trial in a court. Court में कोई सुनवाई नहीं होगी और एक Indian को जेल में डाल दिया जाएगा। How much was the British export to India by 1829? By 1829, Britain export to India had become worth 7 crore rupees. ठीक है, और लास्ट है फाइंड द वर्ड, फाइंड द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन, फ्रीडम, ऑपरेशन, स्मॉल, बिग। ठीक है, तो ये तीनों पैसेज के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।